Hello and welcome back to my channel, guys. This is your mentor Sayukta Singh, and today I am going to talk about how are you going to prepare for NIFT in your next 3 months. Yes, there are only 3 months remaining for this exam, and here are some of the tips and the strategies to boost up your preparation. On that note, if you have not subscribed my channel, go and subscribe it. Hit the bell icon for notifications, क्योंकि आपको इतने important sessions तो और कहीं नहीं मिलेंगे. And if you want to come for the online and offline classes, online classes across India, it's in the hybrid form, and offline classes are in Delhi, so you can come here. There are students from many parts of India and they have come to Delhi just to take the classes and to boost up their preparation. So let's move forward to this session, and you can take notes for the same or watch this session completely. You'll get to know many important facts and things. So first of all, I am going to talk about the general ability test part for bachelor's in designing. So in this whole session, I'm going to talk about MDes also and BDes also. Firstly, let's move on to MDes. No, not MDes, but the BDes part. Now, BDes, आपको पता है कि 5 घंटे का पेपर होता है. The 2 hours is being given for your GAT and 3 hours for CAT. The regular talk, which I have already uploaded the video on the YouTube, कि क्या पैटर्न है, क्या मार्क्स है, क्या सिलेबस है, आपको सब कुछ मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. यू जस्ट हैव टू गो टू माय प्लेलिस्ट एंड सर्च फॉर द वीडियोस, और यू माइट फाइंड द वीडियो ऑन द आई लिंक आल्सो. सो आप वहां से देख लेना. सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहती है, बिकॉज ऑलरेडी देर आर 2-3 वीडियोज ऑन सिलेबस. आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एग्जाम में क्या चेंजेस हुए हैं और आपको और क्या करना पड़ेगा या फिर करना चाहिए. बिकॉज ये दिस 3 मंथ का प्रिपरेशन एंड 4 मंथ का प्रिपरेशन मेरे प्रीवियस ईयर के भी वीडियोज़ हैं, बट प्रिपरेशंस एंड द टॉपिक एंड द क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू बी सेम ऑलवेज ना. सो दैट्स व्हाई आई एम हियर विद दिस सेशन इन टुडे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द GAT पार्ट, द GAT पार्ट. हियर यू आर गोइंग टू गेट 100 क्वेश्चंस एज यूजुअल, यू नो. बट इस 100 क्वेश्चन में से भी इसको अगर हम डिवाइड करें 4 पार्ट्स में, तो यू हैव इंग्लिश, यू हैव रीजनिंग, यू हैव मैथ्स एंड यू हैव GK. तो सबसे पहले आपको किस पे फोकस करना चाहिए. नाउ देर विल बी मैनी स्टूडेंट्स जिसका ये पार्ट बहुत वीक होता है, और कुछ है जिनका ये पार्ट स्ट्रांग होता है. तो अब इस पेपर को अटेंड करने के देर आर 2-3 वेज. हर बच्चा सिमिलर तरीके से पेपर अटेंड नहीं करता और नहीं करना भी नहीं चाहिए. डिपेंड्स कि आपका स्कोरिंग एरिया क्या है, आपको उसको पहले सॉर्टेड रखना है. अगर आपका मैथ्स अच्छा है, नो डाउट गो विथ मैथ्स. सबसे पहले मैथ्स का सेक्शन शुरू करो, अटेंड ऑल द क्वेश्चंस, उसको हटा दो. उसके बाद कम बैक टू रीजनिंग, जहां पे अगेन आपको थोड़े बहुत कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे. देन कम टू इंग्लिश एंड देन कम टू GK. तो अगर प्रायोरिटाइज करना है तो आप इस तरीके से प्रायोरिटाइज कर सकते हो. ये एक एक स्टूडेंट का हो सकता है. नाउ आई एम वन ऑफ द वाइज. वाई वाइज? बिकॉज मेरा मैथ्स अच्छा नहीं था. तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका मैथ्स अच्छा नहीं होगा, तो उस केस में पेपर को कैसे अप्रोच करते हैं. सबसे पहले मैथ्स सबसे लास्ट में करती हूँ मैं, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सबसे लास्ट में करो. क्यों? क्योंकि इसके जो कैलकुलेशंस होंगे दे आर गोइंग टू टेक मच ऑफ द टाइम. फॉर मी आई एम गोइंग टू डू इंग्लिश सबसे पहले. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द वाई स्टूडेंट. इंग्लिश सबसे पहले करूंगी क्योंकि इंग्लिश इज हैविंग योर 50 मार्क्स के क्वेश्चंस, इन विच देर आर 25 फॉर कॉम्प्रीहेंशंस एंड 25 फॉर इंग्लिश लैंग्वेज. तो जिसका इंग्लिश अच्छा है, एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट एनफ, स्टार्ट विथ इंग्लिश. आफ्टर कंप्लीटिंग इंग्लिश आई विल डू रीजनिंग, बिकॉज रीजनिंग फॉर मी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. और हो सकता है कि किसी का मैथ्स अच्छा नहीं हो उतना, बट रीजनिंग हो सकता है कि अच्छा हो. तो कीप दिस ऑन द सेकेंड नंबर, कीप GK ऑन द थर्ड नंबर. GK इज वेरी सिंपल, या तो आता है या तो नहीं आता है. अगर आता है डू देम, अगर नहीं आता है डोंट डू. प्रोबेबली
Why? Because there are negative marks in this exam. And lastly, I'll start with maths. इसको मैं दूंगी fourth number. जहाँ पे हो सकता है कि 4 to 5 questions मैं ना करूँ because I won't be able to be confirmed कि वो questions मैं सही कर पाऊँगी या नहीं. तो मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो relate करेंगे. So this is how and this is the strategy which you are going to follow for your GAT exam. Now I'm going to tell you about the creative part. But before creative part, there are few more important guidelines जो कि मैं आपसे share करना चाहती हूँ. You have to take care about comprehensions. Comprehensions are something which are very very much scoring. ये scoring भी उतना ही है और ये आपके marks भी उतने ही ले जाता है और ये आता है आपका 25 marks का. So इसके होते हैं 4 options और कई बारी ऑप्शन बी होता है और हम सी मार्क करके आ जाते हैं. ऑप्शन डी होता है, हम ए मार्क करके आ जाते हैं. सो इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? इसके लिए प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है. नाउ आई हैव वन बुक ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, दिस दैट इज दिस मच थिक. यू कैन गो टू माई वेबसाइट www.sayuktadesign.com. फ्रॉम देयर यू कैन बाय आर स्टडी मटीरियल विच इज relevant for NID and NIFT, where you'll get a comprehensions book too. I can give you my words ki agar aapne wo comprehension practice kar liya, then definitely you're going to do well in your comprehensions in your not only NIFT but NID, kyunki NID mein bhi 2 questions aate hain aur NIFT mein to aate hi hain. To aapko comprehensions are the most scoring area, isko aapko bahut acha rakhna hoga. Second most important thing, GK is something which is very much unpredictable. You must be aware about the current affairs. आपको static GK पता होना चाहिए. आपको GK related to musical instruments, the art forms of India, brands and ambassadors, logos, government initiatives. एक पूरा list है GK का जो कि already present है YouTube पे, आप देख सकते हो. But again GK stuff. Why? Because इस year जो GK आया था, that was based on the chemical formulas. 11th, 12th में या 10th में जो chemical formulas थे, science से related GK पूछा गया था. तो science बेस्ड जीके भी आपको प्रिपेयर करना है. तो आपको साइंस बेस्ड जीके भी प्रिपेयर करना चाहिए अलोंग विथ ऑल द टॉपिक्स विच आई हैव जस्ट मेंशन्ड रिलेटेड टू अवार्ड्स, रिलेटेड टू मॉन्यूमेंट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, द यूनेस्को हेरिटेज साइट्स एंड एवरीथिंग अप्रॉक्सीमेटली. तो इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. नो डाउट इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, बट अगर आप मेहनत करते हो, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी है, देन डेफिनेटली आर गोइंग टू क्रैक दिस पार्ट ऑल्सो. यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स इन जी के ऑल्सो, बिकॉज एक मार्क्स इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर NIFT. Now, the third most important thing is your reasoning. Reasoning easy भी है और प्रैक्टिस की भी रिक्वायरमेंट है. एक होता है इजी और एक होता है आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की हुई है कि यू आर गोइंग टू गिव ओनली 1 or 2 minutes और आप 3-4 questions आराम से कर सकते हो reasoning के. अगर आपने reasoning में अपना समय बचा लिया, then obviously you can put that time for your maths. क्योंकि maths के calculations में time लगता है, तो अगर आपने GK से कुछ समय बचा लिया, reasoning से कुछ समय बचा लिया, तो आप maths में भी लगा सकते हो और comprehension में भी लगा सकते हो. CAT में आपको पता होगा कि you get 3 questions of 3 hours. Now, these questions, इसको आप कैसे करोगे? कैसे आपको time management करना है? अगर देखा जाए, तो 1 question you'll get to do in 1 hour. But तीनों questions ज़रूरी नहीं है कि they are going to take 1 hour only. Some questions will be related to color psychology, some questions will be related to only process drawing. तो आप process drawing या color psychology वाले question में सिर्फ 40 minutes भी दोगे तो चलेगा. But there will be one question जो कि होगा आपका 40 marks का. And that question will be related to posters or compositions or comic strips. तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ से अपने 20 minutes save किए हैं, तो आप यहाँ पे
दे सकते हो. सो इस तरीके से यू हैव टू डू द टाइम मैनेजमेंट. नाउ देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट एक्स और स्टूडेंट वाई, जिसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, जिसने पूरे 6-7 महीने की प्रैक्टिस की हुई है, नाउ ही इज एबल टू थिंक, ही इज एबल टू मैनेज द टाइम, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है. वॉट दे आर गोइंग टू डू इज दे आर ओनली गोइंग टू वर्क ऑन देयर टाइम मैनेजमेंट, दे आर गोइंग टू प्रैक्टिस मॉक पेपर्स, दे आर गोइंग टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स, दे कैन एक्सप्लोर स्मार्ट कलरिंग, जहाँ पे आप ब्लैक एंड व्हाइट ही रखते हो, फाइबर टिप पेंस यूज करते हो, और आप कोई एक कलर, इट कैन बी ब्लू, इट कैन बी येलो, इट कैन बी ऑरेंज, जो आप यूज़ करके, जैसे कि खास करके कॉमिक स्ट्रिप की बात कर लूँ या स्टोरी बोर्ड्स की बात कर लूँ, तो इस तरीके से यू कैन कीप द अप्रोच. नाउ देर विल बी सम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी डिसाइड किया होगा कि दे डू वॉन्ट टू कम फॉर NIFT एग्जाम एंड ओनली 3 months आर लेफ्ट. सो वॉट आर द स्ट्रैटेजीज दे आर गोइंग टू फॉलो फॉर द सेम? सबसे पहले दे आर गोइंग टू जस्ट डू द प्रैक्टिस थिंग. जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप टाइम को मैनेज कर पाओगे. सो द प्रैक्टिस इज द ओनली की इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जाम. क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 6-7 months से प्रैक्टिस किया हुआ है, दे आर वेल अवेयर अबाउट द क्वेश्चन, और अभी आप प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हो फॉर द नेक्स्ट 3 months. सो यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग ऑल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग, ऑल टाइप्स ऑफ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच वाले ऑब्जेक्ट्स जो आपके एग्जाम में आते हैं, ह्यूमन फिगर, द व्यूज एंड एवरीथिंग, जो भी आपको आपके सामने दिखता है इन द फॉर्म ऑफ व्हीकल्स, इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, इन द फॉर्म ऑफ व्यूज, आप उन सबको एज इट इज प्रैक्टिस करो. सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द रिसर्च वर्क एंड ऑब्जर्वेशन, जो कि आपकी होनी चाहिए फॉर योर डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम. अगर किसी टॉपिक के बारे में आपको पता ही नहीं है, हाउ आर यू गोइंग टू जनरेट द मोटिव? सो दैट्स वाई यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड फॉर दैट यू कैन गो एंड सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स, यू कैन ट्राई आउट मॉक्स, बिकॉज अब वो टाइम नहीं है, आपको अपने मॉक्स को भी अपनी प्रैक्टिस के साथ बहुत ही कंटिन्यूस रखना पड़ेगा. सो यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स. आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सोशल मीडिया पे होते होंगे. आर यू अवेयर अबाउट द एक्चुअल लोगो ऑफ इंस्टाग्राम? आर यू एक्चुअली अवेयर अबाउट व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द इंस्टाग्राम? आप होम पेज पे जाओगे, वो पूरा लेआउट कैसा दिखता है? सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं. प्लस दीज आर द बेसिक ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो आप सबको होनी चाहिए एंड वो नहीं होती है. सो दैट्स वाई दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर NIFT. नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग. यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स आपके किसी भी कैटेगरी में हो सकती है. इट कैन बी रिलेटेड टू पैकेजिंग, इट कैन बी रिलेटेड टू सर्विसेज, इट कैन बी रिलेटेड टू एनी प्रोडक्ट. इस टाइप के क्वेश्चंस आपके NID में खास करके आते हैं. बट नाउ डेज बिकॉज द पैटर्न्स आर चेंजिंग एंड द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर ऑल्सो चेंजिंग, दिस इज द मेजर एरिया. प्रॉब्लम सॉल्विंग तो होनी ही चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, और उसको भी आपको करना पड़ता है स्केच. तो आपकी स्केचिंग का अच्छा होना तो बहुत ज़रूरी है. फोर्थ वन इज योर स्केचिंग एंड ऑब्जेक्ट ड्राइंग. चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, आप बनाते ऑब्जेक्ट हो, करते आप स्केचिंग हो, तो लाइन ड्राइंग और स्केचिंग तो अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि फाइनली हमें पेपर में वही दिखता है और आपको मार्क्स भी उस पर ही मिलते हैं. नंबर फिफ्थ इज योर सिलेबस. आपको सिलेबस के बारे में भी कंप्लीटली पता होना चाहिए. देर आर अप्रॉक्सीमेटली 30-35 टॉपिक्स जो कि आप किसी भी डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम को देने के पहले पढ़ते हो, जानना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस आपके उनमें से ही होते हैं एंड क्वेश्चंस कहीं से भी हो सकते हैं. इट्स नथिंग लाइक दैट कि प्रीवियस ईयर अगर पोस्टर से क्वेश्चन आ गया तो इस ईयर भी आएगा. इट कैन हैपन कि इस ईयर बैनर्स आ गए या फिर फ्लायर्स आ गए, और अगर आपको फ्लायर्स पता ही नहीं क्या होता है, उसके लेआउटिंग आपको पता ही नहीं है क्या होता है, then definitely you are going to lose your marks. So इस तरीके से you have to be aware about all types of syllabus. भले आप सारे प्रैक्टिस ना कर पाओ, आप 15-20 टॉपिक्स को ही प्रैक्टिस कर पाओ, बट आपको पता सब कुछ होना चाहिए. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज विच यू मस्ट टेक केयर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम. सो येस, दैट वॉज इट.
through this session, I just wanted to guide you all about this NIFT, how to prepare for 3 months for all types of students, वो भी हैं जिन्होंने 1 year का gap लिया हुआ है and वो भी हैं जो अब भी ये preparation शुरू कर रहे हैं. आप 12th में हो तो time नहीं भी मिलता होगा, but yes, अगर आप थोड़ा logically and strategy के according questions को prepare करो exam के लिए, then definitely it's going to be worth it. So yes guys, all the best for your preparation, and if you need any kind of guidance, you can come and contact me on @SSDesignHouse, which is my Instagram ID. You can also put up your comments here on my channel on this video, and you can suggest me the topics. If you want any type of discussion on any different topic, then obviously you can come up with the suggestions. I'll look for that, and soon I'll be coming up for the Q&A जहाँ पे लाइव होगा ये, और आप अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हो. आई विल बी देयर फॉर यू ऑल. टिल देन, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, गो एंड सब्सक्राइब इट, हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस, क्योंकि आपको इतने इंपॉर्टेंट सेशंस और कहीं नहीं मिलेंगे. टिल देन गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय.